10 मिनट में 50 खबरें। मुजफ्फरनगर की छात्रा गरिमा को सुषमा स्वराज करेंगी सम्मानित। भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन प्रतियोगिता में प्रथम स्थान किया था हासिल। गुड़गांव में पाकिस्तान निकले के दौरान शिव सैनिकों के हंगामे, मामले में 4 गिरफ्तार। शनिवार की रात शिवसेना ने किया था विरोध। आरक्षण की मांग कर रहे पाटीदारों का नया पैतरा। सूरत में 500 पाटीदारों ने धर्म परिवर्तन की दी थी धमकी। मैंगलोर में हुई हत्या को लेकर कर्नाटक के फिशरीज मंत्री अभयचंद जैन ने को गैंगस्टर रवि पुजारी से धमकी। आरोपियों से दूर रहने की दी चेतावनी। आय से अधिक संपत्ति के मामले में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह को लेकर सुनवाई आज। पूछताछ पर हो सकता है फैसला। पाकिस्तान से आज हिंदुस्तान लौट रही है गीता। कराची से दिल्ली के लिए निकली। अब से कुछ ही देर बाद गीता की फ्लाइट। करीब 10:30 दिल्ली पहुंचेगा विमान। पाकिस्तानी उच्चायोग के वरिष्ठ अधिकारी करेंगे अगवानी। गीता के साथ ईधी फाउंडेशन के 5 सदस्य भी आएंगे दिल्ली। दोपहर में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज करेंगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। गीता को अपनी बेटी बताने वाला बिहार का परिवार भी दिल्ली में मौजूद है। डीएनए मिलने के बाद ही उस परिवार को सौंपी जाएगी गीता। सहरसा के रहने वाले परिवार ने जताई खुशी। जनार्दन महतो बोले, मेरे लिए माँ दुर्गा है मेरी बेटी गीता। दिल्ली में 29 अक्टूबर तक चलने वाले भारत अफ्रीका शिखर सम्मेलन का आज से आगाज। अफ्रीकी मूल के 54 देशों के राष्ट्राध्यक्ष हो रहे हैं शामिल। मेहमानों के लिए सुरक्षा के लिए 5 स्तरीय इंतजाम। दिल्ली पुलिस की ओर से पैरामिलिट्री फोर्सेस के 20,000 जवान तैनात किए गए। 185 स्नाइपर्स होंगे तैनात। 2,000 CCTV कैमरे लगाए गए। दिल्ली में भारत अफ्रीका मंत्री गुलाब उद्घाटन उद्यान का उद्घाटन। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और विदेश मंत्री सुषमा स्वराज समेत कुछ विदेशी मेहमान भी हुए शामिल। रविवार को पाकिस्तान ने फिर थोड़ा सीज़फ़ायर। सांबा और कठुआ में 15 BOP पर फिर गोले दागे और फायरिंग की। कठुआ के बोबिया गांव में मोर्टार के हमले में एक ही परिवार के 5 लोग जख्मी हुए। बिहार के छपरा में अपनी रैली में भीड़ देखकर गदगद हुए पीएम मोदी। कहा, यह न रैली है न रेला, ये तो परिवर्तन का है मेला। प्रधानमंत्री ने लालू नीतीश पर बोला हमला। कहा, बड़े और छोटे भाई, आप जितना कीचड़ उछालोगे कमल उतना ही खिलेगा। तांत्रिक से नीतीश की मुलाकात पर किया तंज। कहा, महागठबंधन में अब 4th खिलाड़ी तांत्रिक। नीतीश कुमार का बीजेपी नेताओं पर सियासी हमला। ट्वीट कर कहा, शाह और तानाशाह की जोड़ी पर आ जाए सामने देख विचलित है। पीएम के तांत्रिक वाले बयान पर आजम खान ने साधा निशाना। बोले, पीएम को ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। बिहार के बक्सर में चुनावी रैली में बोली मायावती। कहा, अब निजी नौकरियों में भी होना चाहिए आरक्षण। छपरा के चुनावी रैली में लालू को फिर आया गुस्सा। माइक में गड़बड़ी देख कार्यकर्ताओं को डांटते देखे। बिहार चुनाव में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 2 चुनावी रैली। बक्सर और सिवान में सभा को करेंगे संबोधित। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी की भी वाल्मीकि नगर, पूर्वी चंपारण और सीतामढ़ी में रैली। 1 स्टिंग ऑपरेशन में पैसे लेते दिखे जेडीयू विधायक सत्यदेव कुशवाहा। आज तक की ओर से वीडियो की पुष्टि नहीं। आज तक से बातचीत में सत्यदेव ने पैसे के लेन देन से किया इनकार। जेडीयू ने कहा, CD की करेंगे जांच, तब कार्रवाई का फैसला। पटना में RJD दफ्तर में फोन कर नेताओं को मिल रही है धमकी। फोन पर लालू यादव के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल। कोतवाली थाने में केस दर्ज। बीजेपी ने यूपी सरकार पर दाल के जमाखोरों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने का लगाया आरोप। कहा, केंद्र को बदनाम करने की साजिश।
विदेश राज्य मंत्री वीके सिंह के विवादित बयान को लेकर दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने निकाला कैंडल मार्च। यूथ कांग्रेस ने भी किया प्रदर्शन। विवादित बयान के विरोध में शाहजहांपुर में अंबेडकर स्टूडेंट फ्रंट के कार्यकर्ताओं ने फूंका पुतला। कोलकाता में लेफ्ट का प्रदर्शन। कल्याण डोंबिवली निगम चुनाव में प्रचार के दौरान राज ठाकरे ने उद्धव ठाकरे पर साधा निशाना। कहा सत्ता में होने के बाद भी कोई नहीं सुनता तो क्यों हो सत्ता में। फरीदकोट में पुलिस फायरिंग में मारे गए दो युवकों के परिजनों ने किया भगवंत मान का विरोध। घर वालों से मिलने पहुंचे थे सांसद। वहां मौजूद लोगों ने भगवंत मान पर शराब के नशे में होने का लगाया आरोप। आम आदमी पार्टी सांसद ने बताया साजिश। गुड़गांव के डिप्टी मेयर परमिंदर कटारिया पर तलाकशुदा महिला से रेप का आरोप। बलात्कार और जान से मारने की धमकी देने का केस दर्ज। पुलिस ने आरोप लगाने वाली महिला का बयान कोर्ट में दर्ज कराया। डिप्टी मेयर की जल्द हो सकती है गिरफ्तारी। हरियाणा रोडवेज की बस से लौट रहे 18 साल के युवक की संदिग्ध मौत। परिवार के दो सदस्यों की हालत भी गंभीर। सभी के डेंगू से पीड़ित होने का शक। ये लोग हरियाणा के चरखी दादरी में एक डेयरी में काम करते थे। आरोपी की छुट्टी मांगने पर डेयरी मालिक ने मारपीट की और लस्सी पिलाकर बस में बिठा दिया। रोडवेज के बस ड्राइवर पर भी संगीन इल्जाम है कि युवक का शव और दूसरे पीड़ितों को बस से उतार कर वो रवाना हो गया। दिल्ली के चांदनी चौक में ज्वेलरी दुकान से 1 किलो चोरी मामले में खुलासा। बिहार के गया से बरामद हुआ सोना। आरोपी अभी भी फरार। दिल्ली के जामिया इलाके में बुजुर्ग महिला की दिलेरी। पर्स चुराने वाली दो महिलाओं को पकड़ कर किया पुलिस के हवाले। दिल्ली के तुगलकाबाद में 25 साल के युवक का खून से लथपथ मिला शव। पुलिस मामले की छानबीन में जुटे। दिल्ली के मॉडल टाउन में एक घर में लोगों को बंधक बनाकर बदमाशों ने की लूटपाट। जाते जाते घर के लोगों से माफी भी मांगी। लखनऊ में बीजेपी की महिला नेता के घर पर सुतली बम से हमला। पूरे इलाके में मचा हड़कंप। हमले की तस्वीरें पास के एक दुकान के सीसीटीवी कैमरे में कैद। मुजफ्फरनगर पुलिस ने एक तहखाने में रखी तिजोरी से सैकड़ों तीली बम बरामद किए। दो आरोपी गिरफ्तार। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में एमबीबीएस में दाखिले के नाम पर ठगी। पुलिस ने दो छात्र ठगों को गिरफ्तार किया। अलग अलग शहरों में दफ्तर खोल अखबारों में विज्ञापन के जरिए चल रहा था जालसाजी का धंधा। दाखिले का झांसा देकर अटते थे लाखों रुपए। मंडला में अंगारों पर नंगे पांव दौड़े बीजेपी सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते। मोहर्रम के जुलूस में हुए थे शरीक। नरसिंहपुर में मोहर्रम पर अंधविश्वास का खेल। पुलिस की मौजूदगी में आग के शोलों पर दौड़ते रहे नाबालिग बच्चे। मुंबई में कुर्ला के रेस्टोरेंट में मारे गए लोगों की याद में कैंडल मार्च आयोजित। 7 इंजीनियरिंग छात्रों समेत कुल 8 की हुई थी मौत। मेरठ में जानलेवा बुखार से हड़कंप। अब तक 20 से ज्यादा लोगों की मौत। स्वास्थ्य विभाग पर लापरवाही का आरोप। राजस्थान के चूरू में 3 दिनों की मशक्कत के बाद पकड़ में आया तेंदुआ। तेंदुए से ग्रामीणों में थी दहशत। कोयंबटूर में आई बेहद रोचक तस्वीर। मादा हाथी ने अपने पैरों से मिट्टी हटाकर अपने बच्चे को संकट सौंपा। कांगड़ा में चल रहे पैराग्लाइडिंग चैंपियनशिप देखने पहुंची प्रीति जिंटा। खुद भी भरी उड़ान। मुंबई में आखिरी वनडे में टीम इंडिया की करारी हार। दक्षिण अफ्रीका ने 3-2 से जीती सीरीज। दक्षिण अफ्रीका ने भारत के सामने रखा था 439 रनों का पहाड़ सा लक्ष्य। भारत की पूरी टीम 35 ओवर में 224 पर ढेर। अपनी धरती पर भारत की सबसे बड़ी हार। दक्षिण अफ्रीका ने 214 रनों से दी थी करारी शिकस्त। भारत की ओर से अजिंक्य रहाणे ने सबसे ज्यादा 87 रन बनाए। शिखर धवन ने खेली 60 रनों की पारी। रोहित शर्मा 16 रन बनाकर आउट। विराट 7 रन पर लौटे पवेलियन। रैना ने 12 और कप्तान धोनी ने 27 रन बनाए। दक्षिण अफ्रीका की ओर से सबसे ज्यादा ड्यू प्लेसिस ने बनाए 133 रन। रिटायर्ड हर्ट होकर लौटे पवेलियन। कप्तान डिविलियर्स ने भी खेली 119 रनों की शतकीय पारी। डिकॉक ने बनाए 87 गेंदों पर 109 रन। आशिम अमला ने बनाए 23 रन। वनडे में बनाया सबसे तेजी से 6000 रन बनाने का रिकॉर्ड।
सीरीज गंवाने के बाद बोले कप्तान धोनी, हमारे पास ऐसे गेंदबाज की कमी जो नई गेंद के साथ सामने वाली टीम पर दबाव बना सके। सीरीज में शानदार जीत के बाद दक्षिण अफ्रीका की टीम आज जाएगी गोवा, वहां दो दिन तक खिलाड़ी मनाएंगे जीत का जश्न। मुंबई लौटकर 30 अक्टूबर को खेलेंगे प्रैक्टिस मैच। वानखेड़े स्टेडियम में भारत की करारी हार के बाद पिच पर विवाद, सूत्रों के मुताबिक क्यूरेटर सुधीर नायक और टीम डायरेक्टर रवि शास्त्री ने कहा सुनी। गौतम गंभीर ने बंगाली समुदाय के खिलाफ बयान देने के आरोपों को बताया गलत, बोले मैं हर समुदाय की इज्जत करता हूं। गंभीर ने कहा सौरव गांगुली की कप्तानी में खेलना मेरे लिए गर्व की बात, मनोज तिवारी ने लगाए थे संगीन आरोप। खड़गपुर में महेंद्र सिंह धोनी पर बनने वाली फिल्म की शूटिंग, अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत निभा रहे हैं माही का किरदार। हैदराबाद में फिल्म दिलवाले के क्लाइमैक्स सीन की शूटिंग, शाहरुख काजोल के अलावा वरुण धवन का भी अहम किरदार।